बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम वालेकुम वेलकम टू रोबोटिक्स डेयर स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर लेक्चर नंबर सेवेंटी फ़ोर एंड टुडे अवर टॉपिक इज़ माइक्रोसॉफ्ट पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट स्टूडेंट्स इससे पहले लेक्चर्स में हम एम एस पेंट के बारे में पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं अब हम उसकी रिवीजन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट अली हैज़ ड्रॉन दिस पिक्चर ऑन अ पेपर डू यू थिंक वी कैन ड्रॉ इट ऑन अ कंप्यूटर स्टूडेंट्स ये इस वक्त स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रहा है एक पिक्चर आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर जो है ये अली ने ड्रा किया है अली एक बॉय है एक स्टूडेंट है उसने ये पिक्चर जो है एक पेपर पे एक पेज पे उसने ड्रा की है डू यू थिंक वी कैन ड्रॉ इट ऑन अ कंप्यूटर क्या आपके ख़्याल में यही पिक्चर हम कंप्यूटर पे ड्रा कर सकते हैं Yes, वी कैन also draw एंड कलर अ पिक्चर विद the हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर हम कंप्यूटर की मदद से पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कलर भी कर सकते हैं वी यूज़ माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम टू ड्रॉ एंड पेंट ऑन अ कंप्यूटर अच्छा तो ड्राइंग हम कंप्यूटर पे किस तरह से करते हैं इसके लिए कंप्यूटर में अपना एक प्रोग्राम यूज़ होता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम तो माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर पे ड्राइंग कर सकते हैं पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं उसको कलर कर सकते हैं पेंट कर सकते हैं अब किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम को ओपन करेंगे कंप्यूटर में कंप्यूटर में उसको स्टार्ट कैसे करेंगे मतलब खोलेंगे कैसे उसको स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट पेंट माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करने के स्टेप्स क्या हैं फॉलो दी स्टेप्स टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम इन अ कंप्यूटर स्टेप नंबर वन क्लिक on start button dear students microsoft paint program ko start karne ke liye hamara pehla step kya hoga first step will be click on start button ke hum start button pe click karenge start button Start button के बारे में आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर का जो main screen है उसके बॉटम में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में स्टार्ट बटन होता है तो आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं स्टेप नंबर टू क्या है क्लिक ऑन आल प्रोग्राम्स जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास एक मेन्यू खुल जाती है एक मेन्यू ओपन हो जाती है इस मेन्यू को बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू स्टार्ट मेन्यू इस स्टार्ट मेन्यू में डिफरेंट ऑप्शनस होंगे इसमें से मुख्तलिफ ऑप्शनस होंगे उसमें से ऑप्शन एक ऑप्शन होगा आल प्रोग्राम्स आल प्रोग्राम्स या जस्ट प्रोग्राम्स भी हो सकता है ठीक है इन दो ऑप्शन में से या तो आल प्रोग्राम्स होगा या प्रोग्राम्स ऑप्शन होगा तो आप इस प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं स्टेप टू हमारा ये हो गया स्टेप नंबर थ्री इज़ क्लिक ऑन एसेसरीज क्लिक ऑन एसेसरीज डेयर स्टूडेंट्स जब आप आल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं स्टेप टू में तो आपके पास एक और मेन्यू खुल जाती है एक अनदर मेन्यू आपके पास ओपन हो जाती है उसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे तो उन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन होगा एक्सेसरीज़ तो आप इस एक्सेसरीज ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो जैसे ही आप स्टेप थ्री में इस एक्सेसरीज ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास एक तीसरी मेन्यू खुल जाती है उस थर्ड मेन्यू में भी डिफरेंट ऑप्शंस होंगे उसमें फिर क्या करना है क्लिक ऑन द पेंट ऑप्शन उसमें से फिर आपने पेंट ऑप्शन को एम एस पेंट ऑप्शन को ढूंढना है तो जैसे ही आपको एम एस पेंट ऑप्शन नज़र आ जाए उस पर क्लिक कर ले द पेंट विंडो विल ओपन ऑन द मोनीटर तो आपके पास एमएस पेंट या माइक्रोसॉफ्ट पेंट विंडो स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी स्टूडेंट्स ये वही स्टेप्स हैं इस पिक्चर में आपको दिखाए गए हैं देखिए ये है वो स्टार्ट बटन ये लेफ्ट कॉर्नर में लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको नजर आ रहा है ठीक है स्टेप वन क्या है कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करें तो देखिए ये आपके पास वो स्टार्ट मेन्यू ओपन हो गई है ये फर्स्ट वन लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू नज़र आ रही है ये वो स्टार्ट मेन्यू है अब स्टार्ट मेन्यू में देखिए बॉटम में एक ऑप्शन है आल प्रोग्राम्स इस पर जब क्लिक किया है तो आप देखिए एक उसके राइट साइड पर एक और मेन्यू खुल गई है और उसके टॉप पे एक ऑप्शन है एक्सेसरीज तो जब उस पर क्लिक किया है तो आप देखें उसके राइट right साइड पे एक थर्ड वन मेन्यू ओपन हो गई है उसमें में पे एम एस पेंट ऑप्शन पे क्लिक किया है तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट पेंट प्रोग्राम की विंडो ओपन हो जाती है